हेलो दोस्तों, अगर आप Redmi का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ये Redmi Note 7 Pro है, कोई से भी आप Redmi का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, रिसेंटली एक प्रॉब्लम आ रहा है, ऑटोमेटिक फ़ोन ऑफ हो जा रहा है। ऑफ होने के बाद पावर लॉन्ग प्रेस करने के बाद भी ऑन नहीं हो रहा है, तो इस समय आप फ़ोन को कैसे ठीक कर सकते हैं, आप आज मैं दिखाऊँगा। कोई सा भी Redmi का फ़ोन हो, Note 7 Pro हो, Note 8 Pro हो, Note 8, कोई सा भी Redmi का फ़ोन हो, इस प्रॉब्लम का आज सोल्यूशन आपको दिखा दूँगा। एक्चुअली क्या होता है, पावर बटन प्रेस करने से फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, मतलब सॉफ्टवेयर ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है। तो इससे आप कैसे सॉफ्टवेयर इशू को ठीक कर सकते हैं घर बैठे। सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। इससे आप बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन एक साथ प्रेस करना है, और एक बार दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए अच्छे से। इसके लिए आपको वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन एक साथ प्रेस करना होगा। देखिए, वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन एक साथ प्रेस करना होगा, उसके बाद देखिए फास्ट बूट ऑप्शन आ जाएगा। आपका फ़ोन में अगर सॉफ्टवेयर इशू है तो ये प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगा। फास्ट बूट आने के बाद देखिए आप पावर बटन को प्रेस करना, ओनली पावर बटन को प्रेस कर देना। पावर बटन प्रेस करने के बाद देखिए फ़ोन आपका ऑन हो गया। फ़ोन एक बार वाइब्रेट होगा, उसके बाद ऑन हो जाएगा। आप ऐसे आपका फ़ोन का कोई सा भी सॉफ्टवेयर इशू ठीक कर सकते हो। अगर फ़ोन आपका ऑटोमेटिक ऑफ हो गया और ऑन नहीं हो रहा है, पावर बटन प्रेस करने के बाद भी ऑन नहीं हो रहा है, तो आप ये तरीका आजमा सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, ऐसा और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को बजा देना। मिलते हैं अगले वीडियो पे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।